नमस्कार, मैं शुभानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपदा से बचाव के लिए प्रदेश के जिलों में तैनात किए जाएंगे बचाव दल। बिहार में अधिक सड़क हादसे वाले क्षेत्रों से जुड़ेगा एम्बुलेंस नेटवर्क। हर घर गंगा जल योजना के तहत प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल किया जाएगा मुहैया। सहरसा की लक्ष्मी ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर लहराया तिरंगा। कवच सिस्टम से अब रेल यात्रियों की होगी सुरक्षा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ONGC ने 64 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना किया जारी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 64 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट ट्रेड में BA या BBA या BCOM या ITI पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपदा से बचाव के लिए प्रदेश के जिलों में तैनात किए जाएंगे बचाव दल। राज्य में आए दिन बाद वज्रपात, भूकंप और अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन आपदाओं से लोगों को खासा नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसको देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन आपदाओं से बचाव और लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर बचाव दल गठित करने का निर्णय लिया है। आपदा से बचाव के लिए जो दल गठित होगा उसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और NCC कैडेट के जवान शामिल होंगे। बचाव दल में 12 लोग होंगे जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं प्राधिकरण की ओर से ट्रेंड लोगों को भी इस बचाव दल में रखा जाएगा। अब तक 1000 से अधिक लोगों को तैराकी में ट्रेन किया गया है। केंद्र सरकार ने 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए दी मंजूरी। तीसरे चरण में होने वाली ग्रामीण सड़क के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि फिलहाल इसे सिद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में बिहार में 26 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ऑनलाइन भेजे प्रस्ताव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई सुझाव दिए हैं, पर काम करते हुए हफ्ते भर में ऑनलाइन एंट्री का कार्य पूर्ण होने के बाद हरी झंडी मिलने के आसार हैं। बताते चले कि ग्रामीण कार्य विभाग के मुताबिक जो 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं वह राज्य भर की हैं। इस जिले में 14 वर्ष बाद 2 ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। रेलवे की ओर से बिहार के पूर्णिया में 2 ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है। बता दें कि पूर्णिया और आसपास के इलाकों के लोगों और व्यवसायियों को 14 वर्ष बाद रेलवे की ओर से यह सौगात दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से पूर्णिया, बनमनखी, सरसी, बिहारीगंज, मधेपुरा, मुरलीगंज और सहरसा जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और साथ ही काफ़ी कम समय में पूर्णिया की दूरी तय कर सकेंगे। बताते चले कि 2008 के बाद से बिहारीगंज से पूर्णिया कोट तक सीधी ट्रेन सेवा को बंद कर दी गई थी, जिसे एक बार फिर सांसद, विधायक और ADRM जितेंद्र सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों ट्रेनों के खुलने का समय 1:15 और 2:30 है। बिहार में अधिक सड़क हादसे वाले क्षेत्रों से जुड़ेगा एम्बुलेंस नेटवर्क। बिहार में बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए और उनसे हुई मौतों को देखते हुए सरकार के द्वारा सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। बता दें कि यह सारे एम्बुलेंस एक आपातकालीन नंबर पर उपलब्ध रहेंगे। इसे लेकर सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरे किए जा सके। फिलहाल इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन विभाग की समीक्षा के बाद दुर्घटना प्रबंधन क्षेत्रों से एम्बुलेंस की ट्रेनिंग की जाएगी। हालांकि अभी इस सूची में केवल 10 अस्पतालों को जोड़ा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि एम्बुलेंस में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे मरीज को ले जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और मरीज को सभी सुविधाओं के साथ अस्पताल तक बड़ी ही आसानी से पहुंचाया जा सके। अगर एम्बुलेंस की संख्या की बात करें तो सरकारी एम्बुलेंस की संख्या 1062, एडवांस लाइफ सपोर्ट 58, बेसिक लाइफ सपोर्ट का 1004, जिला एम्बुलेंस का 1036 और चिकित्सा महाविद्यालय का नंबर 26 निर्धारित किया गया है।
अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ये दस्तावेज है बेहद जरूरी। अग्निवीर में भर्ती होने के लिए दानापुर रैली ग्राउंड में 1 से 14 दिसंबर तक प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें लाना अभ्यर्थियों को काफी जरूरी माना गया है। अगर अभ्यर्थी इन दस्तावेजों को लेकर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़े। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को रैली अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार जिन दस्तावेजों को ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें एडमिट कार्ड, सभी शिक्षा प्रमाण पत्र, ITI कोर्स के डिप्लोमा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, कंप्यूटर कोर्स यदि लागू हो तो, निवास प्रमाण पत्र व भी SDO द्वारा हस्ताक्षरित ऑनलाइन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जिसमें SDO के द्वारा हस्ताक्षरित ऑनलाइन प्रमाण पत्र होने चाहिए, वैसे उम्मीदवार जो आदिवासी उम्मीदवारों में आते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी टैटू प्रमाण पत्र और महिला उम्मीदवार के लिए गर्भावस्था प्रमाण पत्र लाने जरूरी है। हर घर गंगा जल योजना के तहत प्रति व्यक्ति 135 लीटर जल किया जाएगा मुहैया। बीते दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी मौजूद थे। बता दें कि गंगा जल को 11 शक्तिशाली पंप के जरिए हथिदह से राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुँचाया जाएगा। राजगीर में इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद सोमवार से यानी आज से गया, बोधगया के लोगों को प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलेगा। इसके साथ ही वहां पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। खास बात यह है कि यह पानी जरूरत से 3 गुना अधिक होगा। बताते चले कि 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गंगा जल मुकामा के मराची से राजगीर होते हुए मानपुर पहुंच गया है, जहां पानी को ट्रीटमेंट यानी शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसका निर्माण अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कर 2051 तक की आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है। अपराधियों को सजा दिलाने में भागलपुर अव्वल। अब योजना निदेशालय की ओर से एक कांडों में वांछित अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाने के मामले में जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट पर जिलावार रैंकिंग दिखाई गई है, जिसके मुताबिक अपराधियों को कोर्ट से सजा दिलाने में भागलपुर सूबे सबसे अव्वल स्थान पर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर भभुआ, तीसरे नंबर पर छपरा, चौथे नंबर पर नालंदा, तो वहीं पांचवें नंबर पर वैशाली को रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में 772 कांडों में 1328 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा दिलाई गई है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जहां कुल 50,093 कांड हुए हैं, जिनमें से 1,263 सजावार को कोर्ट की ओर से सजा दिलाई गई है। राजगीर में बनेगा जरासंध का स्मारक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर कन्वेंशन सेंटर पूरा बिहार में पहली बार राजगीर में बना। देश में इसकी चर्चा हुई। नेचर सफारी, जू सफारी, घोड़ा कटोरा से लेकर कई काम राजगीर के लिए किए गए। किसी को जाने आने में समस्या ना हो इसके लिए भी सुविधा दी गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब एक ही काम बचा है, जरासंध के अखाड़े के पास जरासंध स्मारक बनवाया जाएगा। इससे पर्यटकों का ज्ञान वर्धन होगा। नीतीश ने कहा कि अब कोई चीज नहीं बची है। NIT पटना में रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में साल 2023 सत्र में पास आउट होने वाले स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट चलाए जा रहे हैं, जो कि फरवरी तक चलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी प्लेसमेंट सेल की शुरुआत हुई केवल 4 महीने हुए हैं, लेकिन अब तक 70 से ज़्यादा कंपनियां छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर कर चुकी है और उम्मीद है कि कंपनियों की संख्या बढ़कर 150 के ऊपर भी पहुँच सकती है। बता दें चले कि अब तक कंपनियों के द्वारा हाइएस्ट पैकेज 52 लाख रुपये तक का छात्रों को दिया गया है। फिल्म इंडिया लॉकडाउन में दिखेंगी पटना की आयशा। 2015 की मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली और पटना की रहने वाली अभिनेत्री आयशा SMN 2 दिसंबर को रिलीज हो रही मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म इंडिया लॉकडाउन में नजर आने वाली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म में वो मुंबई के कमाठीपुरा के वर्कर का किरदार निभा रही हैं। बताते चले कि सच्ची घटना से प्रेरित अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा लिखित इंडिया लॉकडाउन फिल्म 4 समानांतर कहानियों पर आधारित है। इसके साथ ही वे अभिनेता रवि के साथ वेब सीरीज AK-47 में भी नजर आएंगे।
बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव शुरू। बिहार में ठंड में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में खासा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पछुआ के प्रवाह की वजह से तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी का खेल जारी हो गया है। इसने कई शहरों के तापमान को प्रभावित किया है। विभाग की ओर से जारी डाटा के मुताबिक सूबे के 18 जिलों में पछुआ की वजह से तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। अगले 5 दिनों तक ठंडी रहेगी। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में कोहरे का कहर शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने अलाव जलाने के अलावा गर्म कपड़ों का प्रयोग शुरू कर दिया है। कवच सिस्टम से अब रेल यात्रियों की होगी सुरक्षा। रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए दिन नए नए स्कीम लेकर आती है। इसी कड़ी में रेलवे दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कवच सिस्टम लेकर आया है। यह सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसिंग और रेडियो संचार के तालमेल पर आधारित है। यह सिस्टम उसी ट्रैक पर खड़ी या आ रही ट्रेनों का पता लगाकर फौरन अलर्ट करता है। अगर निश्चित समय पर ब्रेक नहीं लग पाया तो यह स्वचालित ब्रेक लगाने में भी सक्षम है और इस तरह से हादसे से सुरक्षा मिलती है। इसकी शुरुआत ग्रैंड कॉर्ड लाइन से हो रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया रेलवे स्टेशन और धनबादा स्टेशनों के बीच में कवच सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे पहले कवच सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर खत्म होते ही कवच सिस्टम इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भागलपुर के संदीप मिश्रा को दुनिया भर में अपने विचार रखने का मिला मौका। भागलपुर के संदीप मिश्रा ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तिलकामांझी भागलपुर के मधुश्री कॉलोनी में रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ है। यह भागलपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने एवं काम करने के लिए चुना गया है। बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस वर्ष 6 लोगों का चयन हुआ है और भारत से भागलपुर के रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन हुआ है। मधुश्री कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप मिश्रा ने बताया कि मेरा दायित्व होगा कि मैं UN सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और विश्व में जागरूकता फैलाऊं एवं सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्था को सुझाव भी दूं। सहरसा के लक्ष्मी ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा। इसलिए नहीं कहते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभा के धनी बिहार के लोगों ने कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। इसी कड़ी में सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत बनगांव की लक्ष्मी ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नेपाल स्थित काला पत्थर पीक व माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा लहराया है। लक्ष्मी ऐसा करने वाली बिहार की पहली बेटी बनी है। यही नहीं, दूसरे के घरों में काम कर माँ सरिता देवी ने अपने 4 बच्चों में सबसे छोटी पुत्री लक्ष्मी को इस काबिल बनाया कि आज वह माउंट एवरेस्ट फतह करने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मी ने बताया कि 2024 में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। माझर और धुआं कुंड इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई ऐसे दर्शनीय, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो आपके बिहार भ्रमण को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है माझर और धुआं कुंड। रोहतास जिले में एक से बढ़कर एक प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करने वाली जगह है, जहां जाकर आप न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं बल्कि प्रकृति के संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। कैमूर की पहाड़ी पर स्थित माझर कुंड और धुआं कुंड ऐसे ही जगह हैं जहां का जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कैमूर की पहाड़ियों में 3 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित माझर कुंड एवं धुआं कुंड बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं। पहाड़ से काव नदी की पानी एक धारा बनकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए माझर कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। इसका पानी ऊंचे पर्वत से झरना के रूप में जमीन पर गिरता है, जो कि देखने में काफी सुंदर और आंखों को सुकून पहुंचाने वाला होता है। लालू प्रसाद यादव का एयरपोर्ट पर रोहिणी ने किया ऐसे स्वागत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पैरों को छूते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट करते हुए भावुक कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि खुशी का हर लम्हा होता है पास पिता का साया जो होता है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि हर मुसीबत से लड़ना हमें सिखाया, गरीब वंचित शोषित समाज को जिन्होंने अधिकार है दिलाया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ही लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट करने वाली है।
शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुस्लिमों को ना समझे अपनी जागीर। बिहार में कुछ ही विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और राज्यों की सियासी सरगर्मी भी तेज दिख रही है। रोजाना दर्जनों बड़े नेता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी कुढ़नी पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को सीधे तौर पर चेताया है कि वो मुस्लिमों को अपनी जागीर ना समझे। कुढ़नी के मुस्लिम बहुल इलाका चैनपुर बांगड़ा पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने साथ ही साथ यह भी कहा कि आरजेडी जदयू के लोग मुस्लिम को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। काम करने से वोट मिलता है, सिर्फ कहने से नहीं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी जदयू का साथ कब तक है यह पता नहीं। उन्होंने ललन सिंह के सेमीफाइनल वाले बयान को लेकर कहा कि हर चुनाव का अपना मुद्दा और असर होता है, यह उपचुनाव है। दूसरी बार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए उमेश कुशवाहा। बीते दिन उमेश कुशवाहा एक बार फिर से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को प्रमाण पत्र सौंप दिया है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सभी मंत्री, सांसद और विधायक पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। बताते चले कि उमेश कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए एकमात्र नॉमिनेशन 26 नवंबर को किया था। उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और बीते दिन उनके नाम का ऐलान किया गया। पार्टी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम और डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बिहार में भी हो रही है। बता दें कि बिहार में इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से बिहार में बांका से गया के बीच हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस यात्रा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में ये यात्रा आगामी 28 दिसंबर को होगी, जिसकी तैयारी बिहार कांग्रेस बड़े स्तर पर कर रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश तेजस्वी को न्योता भेजा जाएगा। निश्चित रूप से नीतीश तेजस्वी बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे। सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ना जाने नीतीश कुमार को बिहार की जनता से क्या दिक्कत है कि सुपर सीएम के कहने पर उन्होंने जनता को यूं ही अनेक हाल में छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को किचन और बाकी चीजों पर सुपरवाइजर बनाकर पढ़ाई लिखाई को बर्बाद किया है, उनका हक छीना और अब किसानों के हक को छीनने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कम से कम लोगों के मूल अधिकार, उनके खाने पीने की चीज़ों पर भी पाबंदी ना लगाएं। नीतीश सरकार की ओर से राज्य में अरवा चावल की मिलों पर ताला लगाने का जो निर्णय लिया गया है वह जनहित में नहीं है। वहीं राज्य सरकार कहती है कि पूरे राज्य में उसना चावल की मिलें लगाई जाएंगी, तो मेरा सवाल यह है कि यह कैसा फैसला है और यह सरकार की कैसी नीति है। बारिश के कारण रद्द हुआ भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे। बीते दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज का दूसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 ओवर 5 गेंद के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद बीच में ही मैच को रोकना पड़ा। उसके बाद बारिश को देखते हुए मैच के ओवर को घटाकर 29 ओवर कर दिया गया। वहीं जब बारिश खत्म हुई तो मैच को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही देर में बारिश दोबारा शुरू हो गई, जिस वजह से मैच को दोबारा बीच में ही रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। बताते चले कि मैच के रद्द होने तक भारतीय टीम की ओर से शिखर धवन ने 10 गेंद पर केवल 3 रन बनाए और आउट हो गए। वहीं शुभमन गिल ने 42 गेंद पर 45 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म 1927 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म 1945 में हुआ। भारत के महान विचारक, समाजसेवी एवं क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले का निधन 1890 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष का निधन 1981 में हुआ। हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक देवनारायण द्विवेदी का निधन 1989 में हुआ। प्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता निर्देशक भालजी पेंढारकर का निधन 1994 में हुआ। एशिया कप हॉकी का खिताब दक्षिण कोरिया ने 1999 में पाकिस्तान को हराकर जीता। भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुद्रा योजना के तहत 4500 के भुगतान पर केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले 10 लाख के लोन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक अनुमोदन पत्र सत्यापन और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 4500 के भुगतान पर 10 लाख का ऋण देने का दावा किया जा रहा है। पीआईबी ने आगे लिखा कि यह दावा फेक है, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया है।
ऐसे जानिए आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर हैं चालू। पिछले कुछ सालों में भारत ने अनधिकृत सिम के बढ़ते मामलों के कारण कार्ड धारकों और सरकारी अधिकारियों दोनों के लिए एक समस्या बनकर उभरी है। इन सबको देखते हुए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक पोर्टल TAFCOP.DZ.Telecom.gov.in लॉन्च किया था, जो व्यक्तियों को उनकी अनुमति या जानकारी के बिना ही उनके नाम पर मोबाइल नंबर के उपयोग की जांच करने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, इस पोर्टल पर प्रभावित यूजर्स को अपने नाम से जारी किए गए उन नंबरों को ब्लॉक करने की सुविधा भी मिलती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा सरकारी गाइडलाइन के अनुसार भारत में एक व्यक्ति को सिर्फ 9 मोबाइल कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वीरमणि सिंह, योगेंद्र यादव, कृष्ण कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, अमर आजाद, रंजित मिश्रा, रघुनंदन कुमार और अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि हर घर गंगा जल योजना के तहत सर्वप्रथम बिहार के 4 शहरों में गंगा जल पहुँचाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। आप हमें कमेंट कर ये बताएं कि वह 4 शहर कौन कौन से हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।